लगातार बढ़ती हुई प्रतिद्वंदिता और खुद को ताकतवर बनाने की जद्दोजहद ने नई नई मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के टेस्ट को आम बात बना दी है, जिससे दुश्मन देश से मिल रही चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके लिए लगातार ज्यादातर देश मिसाइल और लड़ाकू विमानों को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो उसके दुश्मनों के लिए घातक और खतरनाक है। क्या है ब्रिटेन का वो खतरनाक मिशन जिसने उसके दुश्मनों को परेशानी में डाल दिया है, बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए। ब्रिटेन का बेहद खतरनाक प्लान, दुश्मनों का खात्मा होगा आसान। दरअसल ब्रिटेन के जिस मिशन ने उसके दुश्मनों को दहशत में डाल दिया है वो बेहद ही घातक और खतरनाक है, और युद्ध की स्थिति में सिर्फ जमीन पर ही गोले और बारूद नहीं चलेंगे बल्कि अंतरिक्ष से मौत बरस सकती है। दरअसल ब्रिटेन की स्पेस कमांड जल्द ही RAF टाइफून फाइटर जेट्स को धरती ही नहीं स्पेस तक भेज सकती है, और इस मिशन का मकसद दुश्मन के सैटेलाइट्स को ध्वस्त करना होगा। वहीं ब्रिटेन के इस मिशन को लेकर जानकारों का कहना है कि युद्ध की स्थिति में चीन और रूस की सैन्य संचार सैटेलाइट्स को ध्वस्त करना आसान हो जाएगा। वहीं जानकारों का कहना है कि युद्ध की स्थिति में चीन और रूस की सैन्य और संचार सैटेलाइट्स के देश के सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बनने की एक आशंका है। इसके लिए मिशन तैयार किया जा रहा है जो अपने टॉप के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा, और इसके लिए पहले सिमुलेशन प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसमें पारंगत होने के बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। ब्रिटेन का यह है सीक्रेट प्लान, पलक झपकते ही काम तमाम। दरअसल ब्रिटेन का ये खास मिशन अंतरिक्ष के जरिए अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का है, और इसके लिए ब्रिटेन ने बकायदा अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। ट्रेनिंग फ्लाइट एक्सरसाइज बिना मिसाइल की होगी। इसमें पहले 40,000 फीट की उड़ान भरनी होगी और फिर सीधे 20,000 फीट तक वर्टिकल जाना होगा। वहीं हमले की स्थिति में उन्हें दुश्मन की सैटेलाइट को निशाना बनाना होगा और 60,000 फीट की ऊंचाई से एंटी सैटेलाइट छोड़कर लौटना होगा। रूस और चीन ने पहले ही सतह, हवा और समुद्र आधारित ASAT मिसाइल विकसित कर रखी है जो GPS और टेलीकॉम सैटेलाइट को उड़ा सकती है। दरअसल 2 हफ्ते पहले ही टाइफून पायलट एयर कमांड पॉल गॉडफ्री को UK स्पेस कमांड के पहले हेड के तौर पर नियुक्त किया गया था। एयर चीफ मार्शल सर माइक विक्स्टन ने चिताया कि अभी स्पेस के बारे में मिलिट्री क्षेत्र की तरह चर्चा करना विवादास्पद हो सकता है, लेकिन अगर ब्रिटेन की सेना अपनी सैटेलाइट्स के सामने खड़े संकट को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये बड़ी लापरवाही होगी। ब्रिटेन ने अभी ASAT मिसाइलें नहीं बनाई हैं, लेकिन ये मिशन जरूर ब्रिटेन के लिए नया हो सकता है और जरूरी भी। लेकिन इससे पहले अमेरिका ऐसे ही मिशन को अंजाम दे चुका है। अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी 1980 से है, जब एक पुरानी मौसम सैटेलाइट को फाइटर जेट से गिरा दिया गया था। ब्रिटेन के RAF टाइफून जेट्स के नीचे अमेरिका की SM-3 एंटी सैटेलाइट मिसाइल लगाई जा सकती है, लेकिन इससे उसके वजन पर असर पड़ सकता है। रूस ने जमीन से लॉन्च होने वाली डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल और स्पेस आधारित सिस्टम भी विकसित कर लिया है जो दूसरी सैटेलाइट से फायर किया गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि चीन के पास सतह पर आधारित मिसाइलें हैं जो धरती की निचली कक्षा में घूम रही सैटेलाइट्स को निशाना बना सकती है।